अभी इनका सच आया सामने तो क्यों हो गई है कायरव और अभिमन्यु में हाथापाई। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही अभीर का सच आ जाएगा अभिमन्यु के सामने, यानी कि अभिमन्यु को पता लग जाएगा कि अभीर उसका बेटा है और किसी का नहीं, उसके बाद होने वाली है कायरव और अभिमन्यु में बड़ी हाथापाई। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली एक्सप्रेस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु के सामने आने वाला है अभीर का सच। जी हाँ, अभिमन्यु के हाथ लगने वाले हैं कुछ ऐसे कागज जिसे देख के अभिमन्यु को पता चल जाएगा कि अभीर उसका ही बेटा है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा भड़कने वाले हैं अभिमन्यु और वो सीधा निकल जाते हैं अक्षरा के पास और जाकर अक्षरा को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम बिना मुझसे पूछे मेरे बेटे को कैसे मुझसे दूर ले जा रही हो, तुम होती कौन हो बिना उसके पापा के परमिशन के उसके बेटे को उससे दूर ले जाने वाली। पहले तो तुमने इतने सालों तक ये सच मुझसे छुपाया कि अभीर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा भड़कने वाले हैं अभिमन्यु ये बात जानने के बाद कि अभीर उसका ही बेटा है, और इतने सालों से अक्षरा ये सच छुपा रही थी अभिमन्यु से और उसे नहीं बताया कि अभीर अभिमन्यु का ही बेटा है। जी हाँ, अभिनव का नहीं बल्कि अभिमन्यु का बेटा है। और इसके बाद जब ये कायरव को पता लगेगा कि अभिमन्यु इतना ज़्यादा भड़क रहा है अक्षरा पे, तो कायरव लड़ बैठेगा अभिमन्यु से। जी हाँ, इन दोनों में होने वाली है हाथापाई, क्योंकि कायरव से नहीं देखा जा रहा कि कोई उसकी बहन को कैसे इतना सुना सकता है, जबकि गलती उसकी बहन की है ही नहीं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या ये लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई बन जाएगी या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी किसी नई मोड़ पे जाएगी। कैसी लगती है आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।